Welcome to all in my YouTube channel Maths Cafe. In my last video, I have explained up to question number 5 of exercise 6.1 of chapter 6, Squares and Square Roots. In this video, I will complete question number 6 to question number 9. Okay, so let's start with question number 6. Using the given pattern, find the missing numbers. इस pattern को हमने follow करना है और जो missing numbers है here, यहाँ पे हमने अपना इन blanks को complete करना है, fill करना है. कैसे fill करेंगे? इस pattern को देखिए. देखिए pattern क्या है? 1 square plus 2 square plus 2 square equal to 3 square. 2 square plus 3 square plus 6 square equal to 7 square. 3 square plus 4 square plus 12 square equal to 13 square. देखिए जैसे ही मैं इसको पढ़ रही हूँ तो अपने आप माइंड के अंदर एक कंसेप्ट आ रहा है मेरे पास. 1 square plus 2 square plus 2 square. इट मीन्स ये जो थर्ड 2 आया ये क्या आया? 1 into 2. इन फर्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके मेरी थर्ड टर्म आई है. 1 into 2 is 2. 2 into 3 is 6. 3 into 4 is 12. तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 4 into 5 is 20. यहाँ हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर. 5 into something is 30. 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 30 से. 30 आए हमारा आंसर. सो 6 आएगा. 5 into 6 is 30. नेक्स्ट 6 into 7 is 42. ठीक है, ये ब्लैक्स हमने फिल कर दिए. क्या था कि ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा ये नंबर बन रहा था. तो इसी नंबर्स के हिसाब से मैंने ये 3 ब्लैक्स फिल किए. अब मैं इधर देखती हूँ. देखिए यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर है तो यहाँ 3 है, एक नंबर आगे है. यहाँ 6 है तो 6 है नेक्स्ट नंबर, 7 यहाँ है. 12 का नेक्स्ट 13, 20 का नेक्स्ट 21, 30 का नेक्स्ट 31, 42 का नेक्स्ट 43 स्क्वायर. ये हमारा एक पैटर्न है. पैटर्न का क्या होता है कि ये एक लॉजिक पे निर्भर करता है. इसके अंदर एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को हमने पहचानना है. उसको पहचान के जो हमारे मिसिंग स्पेस है उसको हमने फिल करना है. राइट, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज विदाउट एडिंग फाइंड द सम. बिना ऐड किए हमने इनका सम बताना है कि अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है. लेकिन हमने एक्चुअल एडिशन नहीं करनी. तो देखिए इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला बनेगा. सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये हमारे नंबर से ऑड हो और कॉन्सिक्यूटिव हो, मीन्स बीच में कोई भी टर्म मिसिंग ना हो. देखिए 1 है, ऑड नंबर है. इससे नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 3. उससे नेक्स्ट 5, उससे नेक्स्ट 7, उससे नेक्स्ट 9. बीच में कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है, सारे ये ऑड नंबर्स हैं. नेक्स्ट चेक करते हैं 1, 3, 5, 7, 9. 9 के बाद 11 आता है. 13, 15, 17, 19 ऑल आर ऑड नंबर्स एंड कॉन्सिक्यूटिव आल्सो. नेक्स्ट इज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. सब में क्या है? ऑड नंबर्स हैं और कॉन्सिक्यूटिव है. तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे सारे ऑड नंबर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव हैं, तो उनका सम करना है. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एन स्क्वायर. एन स्क्वायर मीन्स जितनी ये टर्म्स हैं उनका स्क्वायर. अब यहाँ हम चेक करते हैं कितने हैं ये. 1, 2, 3, 4, 5. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर कितना हुआ? 25. आंसर आ गया. नेक्स्ट में देखें एक बार. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 नंबर्स हैं तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया? 100. ये आंसर हो गया हमारा. नेक्स्ट देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144. राइट, तो क्या हमने इसमें से एक लॉजिक निकाला कि अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव हैं तो उनकी एडिशन अगर हमने करनी है तो फॉर्मूला क्या चलेगा? एन स्क्वायर. राइट, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स. 49 को लिखना है हमने सम में, लिखना है मीन्स एडिशन में. 7 ऑड नंबर्स की एडिशन में लिखना है. अब क्या है, हमें ये दिया हुआ है और हमने ये लेफ्ट हैंड साइड बनानी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं 49. 49 को मैं किसका स्क्वायर लिखूं? 7 का.
इट मीन्स क्या हुआ कि मेरे पास सेवन ओड नंबर्स होंगे। वैसे यहाँ पे कहा भी है सेवन ओड नंबर्स, अगर आपको यहाँ नहीं बताया हो तो भी हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि सेवन ओड नंबर्स लेने हैं और बिना गैप पे लेने हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट ओड नंबर क्या है हमारा, वन, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन, सेवन पूरे हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, तो हमने 49 को कैसे लिखा, सम ऑफ सेवन ऑड नंबर्स, मीन्स हमें यहाँ राइट हैंड साइड दी हुई थी और हमने लेफ्ट हैंड साइड बना दी। राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। अब हमने 121 को लिखना है 11 ऑड नंबर्स के सम में, तो 121 पे हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। तो हम क्या करें, 11 ऑड नंबर्स ले लेते हैं विदाउट एनी ब्रेक, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, कितने हुए थे यहाँ तक, 7, 4 आगे लो 13 से आगे, 15 17 19 21। ठीक है, तो ये हमने 121 को लिखा 11 ऑड नंबर्स के सम के रूप में, यानी एडिशन के रूप में। क्लियर हो गया ये पार्ट आपको, तो हमारे 7 और 8 के दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहता है कि कितने नंबर्स इनके स्क्वायर्स के बीच में लाई करते हैं। देखिए नंबर है हमारे पास 12 और 13, इनके स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर किया हमने, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 13 का स्क्वायर क्या होगा 164 और 169 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, यहाँ पे हमने वो बताना है। लेकिन हमने एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने फॉर्मूले से करना है। देखिए अगर मैं 12 को कहती हूँ कि 12 इज इक्वल टू एन है, तो 13 को क्या कहेंगे हम, एन प्लस वन। इसे अगर एन करते हैं तो इससे नेक्स्ट नंबर एन प्लस वन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और दोनों लगातार हैं विदाउट एनी ब्रेक हैं, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इट डजेंट मैटर, 12 से नेक्स्ट 13, 25 से नेक्स्ट 26, 99 से नेक्स्ट 100, उनके स्क्वायर्स के बीच के नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हमारा फार्मूला होता है 2n, 2 इंटू एन, हमने किसको कहा, छोटे नंबर को 12, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। क्या मतलब हुआ कि 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, इनके बीच में 24 नंबर्स आएंगे। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए 24 ही आएंगे, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन ना करके हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, 2n, 2 इंटू वैल्यू ऑफ n 12 इक्वल टू 24। यहाँ पे फिर वही करेंगे, 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में फार्मूला लगा 2n, 2 इंटू वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू हम स्मॉलर नंबर लेंगे, 25, 2 into 25 equal to 50. Next is 99 and 100, 2n, 2 into value of n क्या रखेंगे, 99, 99 into 2 is 198, right? तो हमारे पास ये एक फार्मूला है कि अगर हमने दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव हैं, उनके स्क्वायर्स के बीच के नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो 2 into smaller number, 2n। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट होगी। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस ऑन लाइक बटन एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।